हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लाए हैं आपके लिए एक और कमाल का रिव्यू, जो कि आज हमारे पास है रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350, जिसका कलर रहने वाला है स्टैंडर्ड मैरून। आज हम जानेंगे इस बाइक के अंदर कि आपको इस बाइक में क्या क्या फ़ीचर्स मिल जाते हैं और कंपनी इसके अंदर आपको क्या क्या जो फ़ीचर्स ऑफर करती है, इस बाइक की प्राइसिंग, इस बाइक के इंजन के स्पेसिफिकेशन, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा आप इस वीडियो में। तो आपको पता है कि क्या करना है, इस वीडियो को लाइक बटन प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम आपके लिए ऐसे और अमेजिंग से वीडियो ला सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा मंगलम मोटोकॉर्प अजमेर को, जिन्होंने हमें ये बाइक प्रोवाइड करी है रिव्यू करने के लिए। और भी अगर रॉयल एनफील्ड का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो तो आप एक बार इसके आउटलेट पे आके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी बाइक्स अवेलेबल हो जाएगी और बुकिंग्स अगर आप कोई भी बाइक कराते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स 2 से 3 डेज में आपको वो बाइक अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके की से। तो यहाँ पर आपको वेव की कम मिल जाती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम रहने वाली है। इसके ऊपर आर की बैजिंग मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं इसका इग्निशन। तो इग्निशन स्टार्ट करते हैं, तब यहाँ पे आपको मीटर पूरा स्वाइप अप होके वापस आता है। अब बात करते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। तो फ्रंट में आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पायलट लाइट मिल जाती है। राउंड शेप में आपको यहाँ पे हेलोजन बेस हेडलाइट देखने को मिल जाएगी, यहाँ जिसके ऊपर आपको यहाँ पे बल्ब के ऊपर आर की बैचिंग की गई है। 2 आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जिसके ऊपर क्रोम की फिनिशिंग की गई है, जो कि हेलोजन बेस रहने वाला है। ये भी साइड में आपको यहाँ पे जो सस्पेंशन के बारे में बात करें तो सस्पेंशन इसके अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, जिसके ऊपर आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं इस साइड भी और इस साइड भी। अब बात करते हैं इसके ब्रेक, जो ब्रेक कैलिपर रहने वाला है बाइब्रे की तरफ से आने वाला, इसके अंदर आपको ब्रेक कैलिपर मिल जाता है, जो कि 300mm की डिस्क ब्रेक के साथ आता है एंड जो कि काफ़ी बड़ा इसका डिस्क ब्रेक साइज़ रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके टायर प्रोफाइल के बारे में। तो इसके अंदर आपको 100x90 सेक्शन का टायर साइज मिल जाता है और 19 इंच के इसके अंदर आपको स्पोक व्हील कंपनी प्रोवाइड करती है। और अब बात करते हैं इसके मडगार्ड के बारे में। तो मडगार्ड आपको यहाँ पे मेटल में मिल जाता है, कंपनी इसके अंदर आपको कहीं पे भी प्लास्टिक वर्क नहीं किया गया, इसके अंदर फुली आपको मेटल बॉडी मिल जाएगी, कहीं पे भी आपको प्लास्टिक पार्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके रियर साइड में। तो रियर में आपको यहाँ पे 120x80 सेक्शन का टायर साइज़ मिल जाता है, जो कि 18 इंच स्पोक व्हील के साथ आता है। और यहाँ पे आपको जो डिस्क ब्रेक के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 270mm की डिस्क ब्रेक आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी बड़ा डिस्क ब्रेक रहने वाला है इस बाइक की इस कैटेगरी बाइक में। और यहाँ पे आपको बाई ब्रेक की तरफ से आने वाला ब्रेक कैलिपर मिल जाता है रियर साइड में भी, और इसके अंदर आपको ड्यूल चैनल ABS का स्टैंडर्ड वेरियंट से आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके फुटरेस्ट के बारे में। तो राइडर के लिए, पिनियन के दोनों के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फुटरेस्ट दिया गया, जिसके ऊपर आपको रबर की ग्रिपिंग मिल जाएगी, जिस पे आपको रॉयल एनफील्ड का एक बेज भी मिल जाता है। यहाँ पे आपका हो गया पीछे का ब्रेक लीवर, और यहाँ पे आपको रियर साइड की ब्रेकिंग ऑयल मिल जाती है। ये हो गया इसका बाइक का इंजन, जो कि 349cc का इंजन रहने वाला है, जिसका पावर रहने वाला है 20.4 PS का, जो इसका मैक्सिमम टॉर्क रहने वाला है 27 Nm के आसपास का इसका मैक्सिमम टॉर्क रहने वाला है। ये हो गया इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। और इसके अंदर आपको एयर प्लस ऑयल कूल इंजन मिलेगा, लिक्विड कूल इसके अंदर नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट पाइप के बारे में, जो कि आपको क्रोम फिनिश के अंदर इसके अंदर आपको एग्जॉस्ट पाइप मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है इस बाइक के जो कलर रहने वाला है स्टैंडर्ड मरून, जिसके ऊपर काफ़ी सूट कर रहा है। और यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट पाइप के ऊपर मेटल की प्रोटेक्शन दी गई है, जिससे आपका पाँव जले नहीं, आपके शूज़ या फिर आपके स्लीपर्स या फिर आपके सैंडल्स जले नहीं, जिससे आपकी प्रोटेक्शन करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलेट 350 का लोगो हो गया ओल्ड लुक के अंदर। यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग हो गई ओल्ड लुक वाली, जो कि सिर्फ बुलेट के अंदर ही देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सीट के बारे में। तो सीट इसके अंदर आपको बहुत अच्छी और बहुत प्यारा कुशन इसके अंदर आपको देख सकते हो कि कितना बड़ा इसके अंदर आपको कुशनिंग की गई है, जो कि अदर बाइक्स के अंदर इतनी प्यारी कुशनिंग नहीं मिलती है। यहाँ पे आपका सिंगल पाइप वाला ग्रेबरल्स हो गया। अब टैंक के बारे में बात करते हैं, टैंक के ऊपर आप देख सकते हैं कि गोल्डन कलर की स्ट्रिपिंग के अंदर आपको यहाँ पे टैंक मिल जाएगा, जो कि हैंडमेड रहने वाली है, कोई भी इसके अंदर मशीनरी वर्क नहीं किया गया है एंड जो कि इसका लुक काफ़ी अलग, मतलब बहुत अच्छा लुक निकल के आता है। और आप जज नहीं कर पाओगे कि आपकी मशीन से किया गया है, हैंड से किया है। यही तो बात है कि इसके लिए सिर्फ एक बंदा है रॉयल एनफील्ड कंपनी में, जो ये सिर्फ हाथ से ही डिज़ाइन करता है। अब यहाँ पे आपको फ्यूल लीड ओपनर आपको यहाँ पे क्रोम में मिल जाता है। इधर अब बात करते हैं रियर साइड के बारे में। तो रियर में आपको यहाँ पे
टेल लाइट आपको राउंड शेप में मिल जाएगी जो कि एलईडी में रहने वाली है, सिर्फ यही आपको एलईडी बेस मिलेगी। बाकी आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स हो गए जो कि क्रोम फिनिशिंग के साथ आते हैं। यहाँ पे आपका रॉयल इनफील्ड का लोगो हो गया, इस जगह आपकी नंबर प्लेट की प्लेसिंग हो जाएगी। अब इस साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड हो गया, यहाँ पे आपका साड़ी गार्ड के ऊपर ही आपको यहाँ पे फुटरेस्ट मिल जाता है। इधर भी आपको फुटरेस्ट हो गया, राइडर के लिए और पिलिन के लिए भी फुटरेस्ट मिल जाता है। इधर आपकी ब्लू 350 की बैजिंग होगी जिसके ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं कि एक छोटी सी बारीक सी लाइन की गई है, वो भी हैंडमेड रहने वाली गोल्डन कलर में। अब बात करते हैं इसके गियर बॉक्स के बारे में, तो इसके अंदर आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है जो कि एक गियर का ऑप्शन और होता तो बाइक क्रूज़ करने में 100 की स्पीड के आसपास या 120 के आसपास अगर आप इस बाइक को क्रूज़ करते तो वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं होते, मतलब इजीली बहुत अच्छे से क्रूज़ हो जाती। फिर भी इसके अंदर आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, वो भी आपको इंजन बहुत अच्छा रिफाइंड इंजन मिल जाता है, तो आप इजीली इसको 80 से 90 के आसपास इजीली आपको क्रूज़ कर सकते हो। तो ये था बाइक के अंदर। तो अब बात करते हैं इसके साइड स्टैंड के बारे में जो कि आपको यहाँ इसके अंदर भी आपको क्रोम मिल जाता है। सेंटर स्टैंड जो रहने वाला है डबल स्टैंड, वो आपको ब्लैक आउट पेंट के साथ मिलेगा। यहाँ पे जो जो साइड स्टैंड रहने वाला है वो आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर के साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इधर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूल शॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन नहीं मिलते हैं। बाइक के माइनस पॉइंट के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर मेरे को और कोई चीज़ माइनस पॉइंट तो ऐसा कुछ खास लगा नहीं। कि एक तो ये है, इसके अंदर आपको 6 गियर स्पीड का ऑप्शन नहीं मिलता, प्लस इसके अंदर आपको लिक्विड कूल नहीं मिलती, एयर प्लस ऑयल कूल इंजन इसका रहने वाला है जो कि थोड़ा माइनस पॉइंट है। और हीटिंग इश्यूज थोड़े कर सकते हैं गर्मी के अंदर, बाकी सर्दी में तो कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं इसके हैंडल बार के बारे में बात करते हैं। तो हैंडल बार इसका कुछ इस तरीके का रहने वाला है, इसके अंदर आपको दो जो मिरर रहने वाले रियर व्यू मिरर, वो आपको यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग में मिल जाएंगे रेट्रो स्टाइल में। और अब बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो मीटर कंसोल कुछ इस तरह का रहने वाला है, डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर्स के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर हो गया, यहाँ पे आपकी वार्निंग लाइट्स हो गई, इधर आपको यहाँ पे फ्यूल गेज आपको डिजिटल में मिल जाता है, ट्रिप ए ट्रिप बी ट्रिप एफ, यहाँ पे आपको ऑडोमीटर सब कुछ इसके अंदर आपको जो डिजिटल में मिलेगा छोटी सी स्क्रीन में। यहाँ पे आपका क्लॉक हो जाएगा जैसा कि ये देख सकते हैं, और जिसको आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। तो ये था इसका मीटर कंसोल के बारे में। तो अब बात करते हैं इसके लीवर्स के बारे में, तो ये आपका क्लच लीवर हो गया और ये आपका ब्रेक लीवर हो गया फ्रंट का, जो कि क्लच लीवर थोड़ा हार्ड रहने वाला है। यहाँ पे अब बात करते हैं स्विचेस के बारे में, तो स्विच आपको यहाँ पे पासिंग लाइट का बटन इसी में मिल जाएगा, हाई बीम लो बीम का बटन भी यहीं पे मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका टर्न इंडिकेटर्स का बटन हो जाएगा। इधर आपको यहाँ पे हॉर्न का बटन हो गया जो कि हॉर्न अच्छा खासा लाउड रहने वाला है। यहाँ पे आपका इंजन स्टार्ट और किल स्विच बटन भी आपको इसी में मिल जाएगा। यहाँ पे आपका हैजार्ड बटन हो गया, आप सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट साउंड कि इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड कैसा रहने वाला है। तो ये था इस बाइक का कुछ एग्जॉस्ट साउंड, कैसा लगा आपको इसका बाइक का एग्जॉस्ट साउंड मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे पता है कि आप कस्टमाइज तो करवाओगे क्योंकि रॉयल इनफील्ड लो आप बाइक और इसके अंदर आप साइलेंसर्स का कस्टमाइज ना करवाओ ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो आप डेफिनेटली करवाओगे ही करवाओगे। तो अब बात करते हैं इसके सीट हाइट के बारे में, तो इसके अंदर आपको 803 mm की इसके अंदर आपको सीट हाइट मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है जो कि थोड़ा सा नीचे रहने वाला है। अब बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग को लेके, तो बाइक आपको मिलने वाली है ₹1,97,000 इन अजमेर राजस्थान, एक शोरूम रेट इसका रहने वाला है। और अगर जिसको भी अगर बाइक फाइनेंस करवानी हो तो उसके लिए भी मैं आपको नंबर मेंशन कर दूंगा, उन भैया का नाम योगेश भैया रहने वाला है, वो फाइनेंस का सारा सब कुछ वही देखते हैं। तो ये आपका नंबर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन हो रहा होगा, तो इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड शोरूम का जितने भी कॉन्टेक्ट डिटेल रहने वाली है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कैसा लगा आपको बाइक के बारे में दिएगा मेरी तरफ से छोटा सा रिव्यू, अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ आपको पता है क्या करना है कि लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट करो आप कि इस बाइक में आपको क्या अच्छा लगता है, कि कलर आपको पसंद आया है, कि इसका साउंड आपको पसंद आया है, जो आपके गोल्डन कलर की स्ट्रिप देख पा रहे हैं वो आपको पसंद आई, जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई फटाफट से करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, ख्याल रखें अपना और खुश रहें। बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।